स्टूडेंट्स, हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है डेक्कन स्टेट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो चैप्टर का नाम है ना, हम फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। देखो, पेनिनसुलर का मतलब होता है कि जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है। तो हमारा इंडिया ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से, वेस्ट में लक्षद्वीप से और साउथ में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं प्लेटू की। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, ए हाई लैंड विद फ्लैट टॉप। ये देखो, ये सारी ज़मीन नीचे से मतलब दिख रही है, इसकी हाइट ये है, इतनी ऊंची है ये। इसका जो ऊपर का एरिया है ये बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। ए हाई लैंड विद फ्लैट टॉप, और आपके की टर्म्स में दिया हुआ है ए लार्ज एंड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड विच इज़ हायर देन द सराउंडिंग एरिया, ठीक है। प्लेटू का मैं बता चुकी हूँ, रेंज का मतलब होता है चेन ऑफ माउंटेन्स, है ना। लेकर होता है काइंड ऑफ सीलिंग वैक्स, और पंडवानी होता है एक ट्राइबल आर्ट होती है जिसमें कोई भी पर्सन स्टोरी बताता है। महाभारत की उसमें एक आदमी बताएगा तो सोलो परफॉर्मेंस हो जाएगी, सिंगल परफॉर्मेंस को सोलो परफॉर्मेंस बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये ईस्ट साइड में है, ये वेस्ट साइड में है। मैंने कैसे बताया था, ए से शुरू होता है, बी पे ख़त्म होता है। ए से अरेबियन सी है, बी पे बे ऑफ बंगाल है। ऐसे आप याद कर पाओगे। और जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो है इंडियन ओशन। कर सकते हैं आप ऐसे ही याद इसको, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था कि जो इसका ढलान है वो इधर साइड से ऊंचा है। मान लो यहाँ आपने 10 फीट ऊंची दीवार लगा दी और यहाँ पे आपने 3 फीट ऊंची दीवार लगा दी, तो अगर उस दीवार से और इस पे छत बनाएंगे, आप कोई एरिया बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो इस साइड ढलान हो जाएगी, तो जो भी आप पानी आएगा वो इधर गिरेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही यहाँ पे जो नदियाँ हैं उनको ढलान दिखेगा, जिधर ढलान दिखेगा उधर ही वो चली जाएंगी। तो मैंने 7 रिवर्स आपको लर्न करवाई थी क्लास में, ठीक है। उसमें से आप कोई भी लर्न कर सकते हो, कम से कम 5-6 तो आपको पता होनी चाहिए। और टोटल ये पता होना चाहिए आपको कि नर्मदा और तापी जो हैं वो गुजरात से अरेबियन सी में जाते हैं, ठीक है। अरेबियन सी में, यहाँ पर नर्मदा एंड तापी अरेबियन सी में जाती हैं, बाकी सारी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, क्योंकि ये स्लोप है, इसका ढलान है, इस साइड पानी ढलान में ही बहता है। इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। अब हमने याद किया था कि वेस्टर्न घाट जो है सह्याद्री, नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम हिल्स से बना हुआ, मतलब यहाँ पे है ये हिल्स, ठीक है। फिर हमने याद किया था कि डेक्कन प्लेटू जो है उसकी सॉइल ब्लैक होती है बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक लावा। वॉल्केनिक लावा में बच्चों ने स्पेलिंग मिस्टेक की थी, मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। वॉल्केनिक लावा की स्पेलिंग गलत नहीं करना, अगर आ जाता है फिर से। वॉल्केनिक लावा बेड्स हैव बीन फाउंड इन दिस एरिया, दैट्स वाई द सॉइल इज़ ब्लैक। और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली होती है, इसलिए फर्टाइल भी है, ठीक है। ब्लैक सॉइल आप देख सकते हो, ऐसी ब्लैक सॉइल होती है। ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, मतलब इधर भी पहाड़ियाँ हैं उधर भी पहाड़ियाँ हैं, और बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं, आपका डेक्कन प्लेटू कहते हैं। तो इस तरह से ये डेक्कन प्लेटू बन रहा है, है ना। तो ये ट्रायंगल फॉर्म में भी है। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है पेपर में कि कौन सा डेक्कन प्लेटू का पार्ट नहीं है, जैसा कि आपका जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें दिया हुआ है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और नीलगिरी हिल्स, है ना। तो कौन सा पार्ट नहीं है, आपको लगेगा कि ये ट्रायंगल में हैं ये दोनों चीज़, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, नहीं, इन दोनों के बीच में जो पार्ट है, जो एरिया है, वो डेक्कन प्लेट्यू को फॉर्म करता है, और नीलगिरी हिल्स उसके अंदर हैं, है ना। नीलगिरी हिल्स मैंने कैसे बताया था, अगर आप यहाँ खड़े हो जाते हैं तो चारों तीनों तरफ आपको नीला दिखाई देता है, नीलगिरी हिल्स। यहाँ की एक हिल ऐसी है नीलगिरी हिल में भी जो बहुत ज़्यादा ऊंची है, क्या नाम है उसका, अन्नामोड़ी। अन्नामोड़ी ही नीलगिरी हिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची है। मैंने और क्या बताया था इसके बारे में, इसके बारे में मैंने ये बताया था कि ये जो हमारा यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये पूरा क्या है,
है तो कोस्टल एरिया ही, लेकिन यहाँ से लेकर वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, 6100 है ना। हम लोग वहाँ पे जा भी रहे हैं, यही बोला था मैंने कि आप चल सकते हो इतना किलोमीटर, 6100 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा उसके लिए। और आपको क्या लर्न करना है इसमें, और आप ये देखेंगे कि जो स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है एंड केरला है, ठीक है, तो ये कैसे लर्न करोगे, ये आराम से हो जाएगा। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के एरिया हैं जो कि स्टेट्स हैं जो कि यहाँ से गुजरात से शुरू होते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तीन तो याद कर लोगे, गोवा और महाराष्ट्र साथ हैं और गुजरात बिल्कुल अलग है। फिर कर्नाटका और आपको यहाँ पे तमिलनाडु में कंफ्यूजन होता है, तो क्या करोगे, जो केरला है वो केले जैसा है, देखो इसकी शेप ऐसी है लंबी सी, ठीक है, केरला के ऊपर है कर्नाटका, तो मम्मा बोलती हैं बच्चे को केले खाओ, है ना, तो वो करने लगता है नाटक क्योंकि उनको फास्ट फूड चाहिए, फ्रूट्स तो कोई खा के खुश नहीं है बच्चा, तो कर्नाटका केरला के साथ है, केला कर्नाटका, ठीक है। फिर इधर शुरू हो जाता है आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, है ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ठीक है, ये सारे क्या हैं हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। लेकिन इस डिस्टेंस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वेस्ट बंगाल से लेकर इधर आना है वापस और फिर वापस जाना है गुजरात की तरफ। ये टोटल एरिया मैंने बताया था आपको 6100 किलोमीटर है। डेक्कन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा फसलें होती हैं, जैसे कॉटन होता है, टी होता है ना, ये सनफ्लावर है, मतलब ऑयल सीड्स वाला, कॉफ़ी है, कॉफ़ी ये भैया तोड़ रहे हैं ये वाली, ऐसी कॉफ़ी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए डेक्कन स्टेट्स में सिर्फ ब्लैक सॉइल नहीं मिलती है, वहाँ पे रेड सॉइल भी मिलती है। ब्लैक और रेड याद कर लो, आप दो चीज़ें बहुत हैं, दो ही दी हुई हैं आपकी बुक में, रेड और ब्लैक सॉइल, है ना। फिर है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, ये वाला सारा सदर्न पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का, जिसको हमने डेक्कन प्लेटू, देखो हमने डेक्कन प्लेटू कहाँ से कहाँ तक लिया है, इतना लिया है, और इस वाले पार्ट को हमने क्या कहा था, सेंट्रल हाईलैंड दूसरा नाम दे दिया। स्लोप की बात हम कर चुके हैं कि स्लोप हमारा कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट, जो वेस्ट साइड है, जो अरेबियन सी वाली साइड है वो ऊंची है, बे ऑफ बंगाल वाली नीची है, तो यहाँ पर ए से बी पे हमने पानी को ख़त्म किया था और यहाँ पे ये नदियाँ ऐसे जाती हैं, नर्मदा एंड तापी कहाँ जाती हैं, अरेबियन सी में। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, ये देखो फिर से मैंने नदियों का एक डाला था, पहले जो वीडियो बनाई है मैं उसी का रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सारी कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब देखो जोग फॉल है सरावती रिवर में, क्योंकि ये पिक्चर आपकी बुक में भी है, तो ये कर्नाटका में है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, के ए आर एन ए टी ए के ए, सब में ए है, सिर्फ आर के बाद ए नहीं है, के ए आर एन ए टी ए के ए, सरावती रिवर का नाम है, क्लियर हो गया। ये सदर्न प्लेटू है वो एट स्टेट्स में स्ट्रेच्ड है, एट स्टेट्स में स्ट्रेच्ड है, जिसमें सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया के पार्ट हैं, सेंट्रल इंडिया जो हमारा आज मध्य प्रदेश इधर है ना। अब हमने मैंने क्या करवाया था आपको लर्न, कि टूअर्ड द नॉर्थ लाई द विंध्या सतपुरा माउंटेन रेंज, जो हमारा प्लेटू रीजन है उसके साउथ में विंध्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ में क्या था हमारा विंध्या और सतपुरा रेंज यहाँ पे, है ना। फिर वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में क्या है, वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट, विंध्या और सतपुरा रेंज आप अलग से याद करोगे, हो चुके हैं आपको मुझे पता है, बट विद स्पेलिंग आप लर्न करेंगे, ओके। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स आर बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स रेस्पेक्टिवली। देखो इस पेनिनसुलर प्लेटू को दो में डिवाइड है, यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। देखो बेटा मैं फिर से बता रही हूँ आपको, ये वाला पार्ट देखो, पेनिनसुलर प्लेटू को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ये वाला हमारा डेक्कन प्लेटू है और इसके ऊपर हमने दूसरा नाम दे दिया सेंट्रल हाईलैंड, ये सेंट्रल हाईलैंड वाला है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड का मैंने कैसे याद करवाया था अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये सारी बनाई है वीडियो और उसके बाद मैं आपको लर्न करवा रही हूँ। देखो
मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको सेंट्रल हाईलैंड और डेकन प्लेटू, ये किसका पार्ट है, ये हमारा है डेकन पेनिनसुलर प्लेटू का, उसके दो नाम हैं। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। सेंट्रल हाईलैंड कहाँ है, रिवर नर्मदा के ऊपर। मैंने कैसे कहा था कि जो हमारी रिवर नर्मदा है, ऐसे समझ लो कि ये नर्मदा यहाँ पे जा रही है, ये रिवर नर्मदा है, ठीक है। उसके बाद वो अरावली हिल्स से नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे ईस्ट मैंने बताया है, यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। यहाँ पे हमारे क्या है, अरावली हिल्स, यहाँ पे पहाड़ियाँ 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 हैं, ठीक है। विंध्या रेंज इन द साउथ, यहाँ पे फिर विंध्या रेंज, विंध्या और सतपुरा रेंज बताई थी मैंने, तो ये विंध्या रेंज हमारे सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या बताया था, छोटा नागपुर प्लेटू टूवर्ड द ईस्ट, ईस्ट में क्या है, यहाँ पे छोटा सा नागपुर है, ठीक है। मैंने ऐसे ही लर्न करवाया था, यहाँ पे एक छोटे से नाग से आपको याद हो जाएगा। फिर मालवा प्लेटू एंड बुंदेलखंड प्लेटू लाई बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंज, इसी के अंदर ही जहाँ पे आपकी विंध्या रेंज है ये वाली, और जहाँ पे आपकी अरावली रेंज है, इसके बीच में दो प्लेट्यू हैं छोटे छोटे, मालवा और बुंदेलखंड प्लेट्यू। अगर इस तरह से आप पिक्चर बना के लर्न करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। छोटा नागपुर किस किस स्टेट में है, ये क्वेश्चन भी बनाया था हमने, उसमें क्या था, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। बारिश झरने लग गई छत के ऊपर और उड़ गया सारा सामान, ठीक है। छोटा सा नागपुर, छोटा नागपुर, बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं यहाँ पे। इस पार्ट में क्यों कंफ्यूज होते हो, मैं फिर से बता रही हूँ, जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है उसको दो में डिवाइड किया, एक डेक्कन प्लेट्यू और दूसरा सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के अलग से कैरेक्टर याद करो, डेक्कन प्लेट्यू के अलग से याद करने हैं। उसमें क्या बताना है आपको, स्लोप याद रखना है और रिवर्स याद रखनी है, कौन सी साइड कौन से चीज़ें हैं, जैसे ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट है, वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट है, साउथ साइड में नीलगिरी हिल्स हैं, और नॉर्दर्न साइड में विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज है, हमने ये याद किया था, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू में कितनी रिवर्स हैं, वो सारी रेन फेड हैं, चाहे वो अरेबियन सी में जा रही हैं, चाहे वो बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं, ए अरेबियन सी, बी फॉर बे ऑफ बंगाल, ए टू बी हमने लर्न किया है, ठीक है। ईस्टर्न घाट को हम पूर्वा घाट भी बोलते हैं और वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, हो गया। अब डेक्कन प्लेटू में हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं लर्न, जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हो बुक से। जोग फॉल का भी मैं करवा चुकी हूँ अलग से स्लाइड में, ये पहले वीडियो हो चुकी है हमारी। अब सदर्न प्लेटू में जो है ना, रिवर्स को पानी कब मिलता है, जून टू अक्टूबर, जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, जून जुलाई अगस्त। देखो अब चीज़ों को कोरिलेट करो, जून में हमारे गर्मी शुरू हो जाती है ना, जून और जुलाई का महीना, मई और जून का महीना बहुत गर्म होता है थार डेजर्ट में, यहाँ जून से गर्मी शुरू हो गई है ना, सॉरी यहाँ जून से बारिश शुरू हो गई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, तो यहाँ पे मार्च टू जून गर्मी रहती है, मतलब बहुत पहले ही गर्मी शुरू हो जाती है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है गर्मी का, 40 डिग्री सेल्सियस। वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा हिल्स हैं, ये भी लाइन में करवा चुकी हूँ उसी में, ठीक है। कार्डेमम हिल्स, नीलगिरी, सह्याद्री, अनामलाई। अब और क्या चीज़ थी जो मैंने आपको बहुत अच्छे से लर्न करवाई थी, भैया गोलकोंडा एरिया है जो आंध्र प्रदेश में है, गोलकोंडा में क्या मिलता है, हमें प्रीसियस मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ने क्या क्या मजाक बनाया था कि ये वेस्ट बंगाल में है, और मैंने कहा था वेस्ट बंगाल वालों को तो पता ही नहीं उनके पास प्रीसियस मेटल है, ये आंध्र प्रदेश वालों के पास है भैया, जहाँ पे डायमंड, गोल्ड और बहुत सारे प्रीसियस मेटल्स मिलते हैं, और ये गोलकोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश के पास है। डेक्कन प्लेटू कवर करता है इन सारे स्टेट्स को, देख लो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें, ठीक है। ट्राइबल में आप कर सकते हो, एंशियंट इनहेबिटेंट्स आर यूनिक टू दिस, 30 ट्राइब्स रहती हैं यहाँ पे, डेक्कन, हमारे डेक्कन प्लेटू की बात हो रही है, यहाँ पे 30 ट्राइब्स रहती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितने, 10-15 तो हमारे स्टेट्स हो गए, तो आप याद कर लो उसके डबल 30 ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं, जनजातियाँ। यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उनके अपने यूनिक कल्चर हैं, म्यूज़िक है, डांस है, ड्रेस है, फूड है, रिचुअल्स हैं, बहुत सारी रीति रिवाजें हैं, ठीक है। जैसे कि कौन सी ट्राइब्स हैं, गोंड, हल्बा, कोल, म्यूरिया, ये वाली,
ये वाले क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। अन्नामुड़ी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ज़्यादातर रिवर्स कहाँ से कहाँ फ्लो करती हैं? वेस्ट टू ईस्ट करती हैं। क्लियर हैं ये सारी चीज़ें? अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ये देखो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो गुजरात में वेस्टर्न कोस्टल एरिया है उसको गुजरात कोस्ट बोलते हैं। जो मिडल में है कोंकण कोस्ट, ठीक है, मिडल वाला क्या है कोंकण कोस्ट, और लास्ट वाला क्या है मालाबार कोस्ट। ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर से आप एक बार देख लो। बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स, मैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक और वीडियो बना के आपको बता दूंगी, ठीक है। तब तक आप इतना रिवाइज करो और स्पेलिंग्स जरूर लिख के देखना। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मुझे आपको अच्छे से टाइम देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।